हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये फैब्रिक नेकलेस बनाने के लिए हमें चाहिए बकरम, और उसको हम लोग राउंड सर्कुलर शेप में कट कर लेते हैं। ऐसे एक शेप बनेगा बड़ा और एक होगा छोटा, मतलब दो दो पीस इच शेप में, और उसका डायमीटर देख लीजिए। इसको दो दो पीस को हम लोग को फैब्रिक ग्लू में अटैच करना है, और इसके ऊपर हम लोग जो भी डिज़ाइन करेंगे बाद में, हम लोग पीछे साइड और चार पांच बकरम मिला के उसका स्ट्रेंथ के लिए देंगे। तो ऐसे दो दो को हम लोग को ग्लू में अटैच करना है। और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद उसके ऊपर मैं जगन्नाथ जी को ड्रॉ की हूँ, और इसको फेविक्रिल में मैं पेंट करूँगी। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अपना फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अपना सजेशन और फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे करके हम लोग को फेविक्रिल में पेंट करना है, और बकरम के ऊपर बहुत अच्छा से पेंट होता है। ऐसे मुझे बहुत अच्छा पेंटिंग आता नहीं है, तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर रही हूँ। और ये फैब्रिक ज्वेलरी मेरे एक सब्सक्राइबर सुमिता दे बहुत दिन पहले से रिक्वेस्ट किए थे, तो उसको मैं ट्राई कर रही हूँ बनाने के लिए। वैसे बकरम के ऊपर कुछ भी पेंट करके आप बना सकते हैं, कोई भी पिक्चर। देखिए ये पेंट हो गया, और उसके बाद ये जो बड़ा शेप लिए थे उसके ऊपर मैं मार्क कर रही हूँ, ताकि जो भी मैं डिज़ाइन या लेस अटैच करूँगी मुझे बीच में ध्यान रहेगा। बीच में जगन्नाथ जी को मैं अटैच करूँगी, तो उसका शेप, उसका प्लेस अच्छा से मार्क करके ध्यान रखने के लिए। और ये जो कौरी सेल है मैं बाद में पेस्ट करूँगी, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा मार्क कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी प्लेस में मुझे पम्पम लेस अटैच करना है। तो ये है पम्पम लेस, और इसको कौरी सेल को छोड़ के बाकी एरिया में फेविक्रिल का ग्लू के हेल्प से अटैच करना है। वैसे करके
तीन लाइन मुझे अटैच करना है। इसे बीच में जगन्नाथ जी को लगाना है। तो जो एक्स्ट्रा प्लेसेस हो गए थे मार्क्स से आगे तक आ गया था, तो उसको मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें कौरी से अटैच कर लूँगी और बीच में जगन्नाथ जी को। और ये जो कौरी सिल्क के बीच में थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट बकरम दिख रहा है, तो उसको थोड़ा और पम्पम लेस डाल के और भी थोड़ा डेकोरेटिव हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो उसको उसके लिए मैं ऐसे डाल रही हूँ। उसके बाद इसको अभी डोरी के साथ अटैच करना है। और डोरी भी मैं हैंडमेड डोरी बनाई हूँ, बट ये वीडियो लंबा हो जाएगा बोल के इसमें नहीं दिखाई हूँ। और एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपका डोरी वाला आएगा। देखिए मैं पीछे चार बकरम पीस को अटैच करके उसको स्ट्रेंथ देने के लिए पेंडेंट को पीछे साइड में बकरम को दे रही हूँ, और वो उस पीस में चार बकरम अटैच हुआ है क्योंकि बकरम में थोड़ा स्ट्रेंथ, पेंडेंट में थोड़ा स्ट्रेंथ डालने के लिए। ये है हैंडमेड डोरी और इसका वीडियो नेक्स्ट वीक में मैं अपलोड करूँगी। और इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे जंप रिंग के हेल्प से। और सारे मटेरियल का लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप काइंडली चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Now it's ready to wear. Thank you friends for watching my video. Have a good day. Bye-bye.